हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि शादाब खान वर्ल्ड कप में होंगे या नहीं होंगे, या फिर उन्हें वर्ल्ड जो इंग्लैंड के ओडीआई से क्यों बाहर कर दिया गया है, आज हम इसी पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ पहले आपके पास वो पहुँच जाए। फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शादाब खान वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी का फैसला जो है वो 2 वीक्स में पता चल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, शादाब खान क्या वर्ल्ड कप लिए दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे, इसका पता 2 हफ्तों में पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन प्लेयर का मेडिकल टेस्ट लिया गया। नतीजे सामने आने पर शादाब खान के खून में ख़तरनाक वायरस के मौजूदगी की ख़तरनाक वायरस का मौजूदगी की इंकशाफ हुआ। शादाब खान जो है वर्ल्ड इंग्लैंड के अगेंस्ट जो स्क्वाड में नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि जो उनका जब टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, तो उनके खून में जो है ख़तरनाक जो वायरस पाया गया, जिसके लिए उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ ख़तरनाक वायरस जो पाया गया उनके खून में, इसके लिए इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टूर में, ODIs में, या जो बकाया एक T20 है शायद, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ज़राए के मुताबिक लेग स्पिनर हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, जो कि शादाब खान हैं वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। शादाब खान को 2 हफ्ते तक मुकम्मल रेस्ट का मशवरा दिया गया है, उसके बाद लाहौर में उनका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हें 2 वीक्स जो हैं उन्हें रेस्ट करने का कहा गया है, और उसके बाद इनका जो है ब्लड टेस्ट होगा। फिर अगर इनका ब्लड टेस्ट जो है नॉर्मल आता है, तो ही फिर शादाब खान वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये भी सवाल आता होगा कि यार, अगर शादाब खान नहीं है वर्ल्ड कप में, तो ऐसा कौन सा बॉलर जाएगा उनके पाकिस्तान की टीम में। तो मेरे ख्याल से शायद यासिर शाह को लेकर जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास लेग स्पिनर यासिर शाह ही हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जैसे कि इन्हें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी जो है एक चांस दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो पहले अपडेट आपके पास पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, और मेरी जो न्यू वीडियो है वो भी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, और टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगा बहुत ही जल्द। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।